और उधर हमास और इज़राइल के बीच में जंग लगातार जारी है और उसी से जुड़ा हुआ एक वीडियो जारी किया गया है। हमास ने ये वीडियो जारी करते हुए दावा कर दिया है कि उसके लड़ाके इज़राइल की सेना को खान यूनिस में निशाना बना रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि इज़राइल के टैंक को घर के अंदर से एक दरवाजा खोलकर निशाना बनाया जा रहा है। वहीं इस वीडियो में आगे ये भी दिखाया गया है कि कैसे आतंकी सुरंगों से बाहर निकल रहे हैं और इज़राइल के टैंक पर हमला करके वापस सुरंग में घुस जाते हैं। हमास ने ये वीडियो बाकायदा एरो लगाकर टारगेट को दिखाया और उस पर हमला करते हुए विस्फोट का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया है। वीडियो में एक आवाज भी सुनाई दे रही है जिसमें अरबी में कहा जा रहा है कि ये पीले रंग की ब्रांड न्यू गाड़ी में आए, उन्होंने सोचा कि यहाँ शहर में कोई नहीं है, वो पिछले 2 घंटे से मुस्लिम कब्रिस्तान को तबाह कर रहा था। और ये वीडियो बाकायदा हमास की तरफ से जारी किया गया है और एरो करके दिखाया गया है। ये वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें दावा हमास की तरफ से खुद किया गया है कि कैसे अब उसके लड़ाके इज़राइल को एक के बाद एक निशाना यहां पर बना रहे हैं। ये जो एरो लगाया गया है ये हमास ने ही ये वीडियो जारी करते हुए लगाया है। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे इज़राइल के जो टैंक है उनको घर के अंदर से ये दरवाजा जो है वो खोलकर निशाना बनाया जाता है और उसके बाद हमला करने के बाद एक बार फिर से वो अंदर चले जाते हैं। और इससे पहले भी कई बार खबरें सामने आती रही हैं कि वो सुरंग बनाकर वहीं पर छिपते हैं और एक बार फिर से जाहिर होता है कि कैसे जब वो देखते हैं कि इज़राइल के टैंक बाहर है वो सुरंग से बाहर आते हैं और उसके बाद हमला करके वापस से सुरंग में घुस जाते हैं। हमास ने इस वीडियो में ये एरो लगाया है और एरो लगाकर ये बताया है कि टारगेट कैसे किया जा रहा है वहां पर, और हमला करते हुए विस्फोट का जो बाकायदा वीडियो था उसको भी यहां पर रिकॉर्ड कर लिया गया है। ये आप देखेंगे 1 सेकंड से भी कम टारगेट लगाया जाता है और उसके बाद खतरनाक आग यहां पर दिखाई देती है, विस्फोट हो जाता है और इस विस्फोट को भी अब रिकॉर्ड कर लिया गया है। आवाज भी जो सुनाई दे रही है उसमें भी अरबी में कहा गया है कि पीले रंग की ब्रांड न्यू गाड़ी में आए, सोचा नहीं यहां शहर में कोई भी नहीं है। और अब एक बड़ी खबर महाराष्ट्र के संभाजीनगर से है जहां एक फैक्ट्री में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 4 लोगों को बचा लिया गया है। ये अच्छी खबर है इससे जुड़ी हुई, ये ग्लव्स बनाने की फैक्ट्री है जिसमें आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। अब तक 6 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, 6 लोग फंसे हुए थे और उनमें से 4 लोगों को बचा लिया गया है, ये भी जानकारी मिल रही है। चूंकि अभी कोशिश यही की जा रही थी कि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। आम्हाला 2:15 कॉल मिळाला, इथं आल्यानंतर फॅक्टरी पूर्णपणे फायर कॉलमध्ये जळत होती। नंतर तिथल्या स्थानिक लोकांना माहिती दिली की आज 6 लोक कॅज्युलिटीमध्ये अडकलेली आहे, थोडंसं कुलिंग करून माझे जवान मध्ये गेल्यानंतर ते 6 लोकांना बाहेर काढण्यात आलं। आता सध्या फायर कुलिंगचं काम चालू आहे। और अब 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। फैक्ट्री में एक तस्वीर में आप देखेंगे कि कैसे जबरदस्त आग लगती हुई दिखाई दे रही है, दूर से ही आग की ऊंची ऊंची लपटें यहां पर देखी जा सकती हैं। और दूसरी तस्वीर आप देखिए।